हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जेस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की जो है वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो, डेली टाइम से आप क्लास को देख लिया करो। ओके, चलिए, कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सके, आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। ओके, चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं बताइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। सभी लोग 38 का जवाब देंगे भाई, सभी लोग। कौन इसके अध्यक्ष चुने गए हैं? फिक्की के, फिक्की के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करंट अफेयर के आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं करंट अफेयर की क्लास बहुत जल्द लाने वाला हूं, तो आपको परेशान नहीं होना है। जितना दूंगा वहीं से क्वेश्चन सारा का सारा देखने को आपको मिलेगा, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग यहां पे डी जवाब दे रहे हैं, अनीस शाह, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिक्की के जो अध्यक्ष चुने गए थे, अनीस शाह चुने गए थे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, किशनपुर या रानीपुर? बताएंगे सब लोग, यूपी जीके के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कम से कम। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है कौन सा? तो वो है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ऑप्शन ये आपका डी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहां पे, चलिए, कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, हेमजुग, चकमुडुक या सांगपो? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर सांगपो की जो है स्पेलिंग में आप लोगों से पूछूं तो क्या बताएंगे आप लोग? एस से स्टार्ट करोगे ना, तो ऐसा नहीं होता, टी से स्टार्ट होगी, टी एस ए एन जी पी ओ, ये होती है सांगपकोपी स्पेलिंग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय जो है सब्जी अनुसंधान संस्थान है? कहाँ है बताइए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान? आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जैसे शॉर्टकट में आप लोग IIVR बोलते हो, तो ये आपका वाराणसी में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजघाट बांध परियोजना और स्थित है किस नदी पर? राजघाट बांध परियोजना और स्थित है गोमती नदी, टोंस नदी, केन नदी या इनमें से कोई नहीं? तो राजघाट बांध परियोजना ये जो है किस नदी पर है ये आपको बताना है, बेतवा नदी पर है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है राजघाट बांध परियोजना। ऑप्शन डी। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है बताइए सब लोग, खजुराहो में, सुचिंद्रम में, महाबलीपुरम में या कांचीपुरम में? तो धर्मराज रथ स्मारक जो स्थित है महाबलीपुरम में है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नीला, पीला, हरा या नारंगी? किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक पूछे, क्या बताना है बताइए सब लोग, किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सभी लोग आंसर करेंगे भाई, आंसर हर बच्चा किया करे। तो यहां पे आपका जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक जो होगा किसका हो जाएगा बताइए सब लोग, नारंगी, नारंगी का हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहां पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहां पे, सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ आयोजित हुई थी बताइए, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा में या लखनऊ में या आगरा में?
46 का जवाब दीजिए सब लोग, सॉरी 45 है यहाँ पे, तो ग्रेटर नोएडा में इसका जो है किया गया था आयोजन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम? 46 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो वो है न्यूरॉन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया था बताइए? प्लाई पास्ट का आयोजन, तो वायुसेना दिवस पर जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया था, आप सभी को पता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एयर शो जो हुआ था ना। चलिए, भारत सरकार द्वारा जो है राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? पंद्रह अगस्त 1948, 26 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1947 या 26 जनवरी 1950? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलीगढ़? बताइए रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में है। 49 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 फीट का ये ऊंचा दरवाज़ा है, ठीक है। चलिए, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि मैदान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? कोच्ची में, भोपाल में, जयपुर में या वाराणसी में? 50 का जवाब दीजिए सब लोग। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? कोच्ची में हुई थी। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? कौन सा नहीं है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपका पानी में घुलनशील होता है, तो इसमें से कौन सा नहीं है बताइए? ये हो जाएगा आपका, बताइए 51 का जवाब दीजिए। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो ये आपका वसा में हो जाएगा। सभी लोग 51 का जवाब देंगे, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीजन, एड्रोजन या इंसुलिन? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन ये आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर में? कहाँ है बताइए? प्रसिद्ध जो है नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। कहाँ पे है? सीतापुर जिले में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड या उपयुक्त सभी? कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? भारत ने जीता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश या तुगलक वंश? तो तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? नीरजा भनोट, संजना ठाकुर, साक्षी मलिक, एम विजयलक्ष्मी? 57 का जवाब दीजिए कि अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो नीरजा भनोट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 2 जनवरी को, 28 फरवरी को या 15 मार्च को? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? आगरा, कानपुर, नोएडा या वाराणसी में?
59 का जवाब दीजिए सब लोग। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की जो है समेकित निधि से राज्यों की जो है सहायता अनुदान देती है? योजना आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग या संघीय वित्त मंत्री या राष्ट्रीय विकास परिषद? केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो वो है केंद्रीय वित्त आयोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, मार्गरेट आल्वा। तो देखिए, लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी महिला कौन थी? सुमित्रा महाजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जनजाति समूह में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? गोंड जनजाति की, खरवार जनजाति, थारू जनजाति, इनमें से कोई नहीं। कौन सी जनजाति समूह जो है सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में? तो वो जनजाति है गोंड जनजाति। ओके, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है वो है गोंड जनजाति, ऑप्शन ए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? पीलीभीत में, ललितपुर में या लखीमपुर खीरी में या बहराइच में? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लखीमपुर खीरी में है ये, उत्तर प्रदेश का जो जिला है लखीमपुर खीरी, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित है? किसान कल्याण सोसाइटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कृषि लागत और मूल्य आयोग या माप और तौल आयोग? 64 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे भाई सब लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह कौन सी स्थिति कहलाती है? जनता एकाधिकार, द्विपक्षीय अधिकार, विशेष विक्रेता अधिकार या क्रय का एकाधिकार? तब द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया जो परजीवी होते हैं वो कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम नोलेसी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम ओविल? 66 का जवाब दीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो सभी लोग। तो घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया जो परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी की नदी का घाटी का जो है हिस्सा नहीं है इसमें? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा इसमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो नमचा बरवा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में ही तो है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 3 जून, 22 जून? ये तो सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से? जैसे रूस आपका सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, तो भारत का कौन सा मतलब नंबर है? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भारत आपका 7वें स्थान पर, जनसंख्या में पहले दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था भाई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती? तो बुनियादी शिक्षा का जो विचार सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था अपनी वर्धा योजना में, इसको जो है प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताइए, सही क्रम कौन सा है? 29 मार्च 1857 से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह मेरठ से। 72 का जवाब दीजिए सब लोग भाई सभी लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरठ आया, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से झांसी, तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, राधा कृष्णन या स्वामी विवेकानंद? तो BHU के जो संस्थापक हैं वो हैं मदन मोहन मालवीय। 73 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक फॉर एसेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? 74 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 74 का बी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं बताइए, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? 75 का जवाब दीजिए। तो वर्तमान में सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या है शनि की, ठीक है, शनि की है, डी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।